ये फूल आपको किसने दिए? अम्मी, ये फ्लावर्स अजान ने भेजे। ये फूल आपको अजान ने नहीं भिजवाए हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि आपको इन फ्लावर्स से एलर्जी है। हमें लगता है सुरैया और असगर मियां के साथ आपके लिए भी सुल्तानपुर का टिकट काटना पड़ेगा। कल आपने फोरम में जो किया और आज ये, वफादारी घर से की जाती है दिलरुबा, घर के गद्दारों से नहीं। नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, माफ कर दीजिएगा, हम अभी आते हैं। देख रही हैं आप, ये लोग बाज नहीं आने वाले और अब तो नौकरों का इस्तेमाल करने लगे हैं हमारे खिलाफ। अब अम्मी, आई थिंक दिलरुबा से कोई गलती अनजाने में होती है बेटा। जानबूझ के जो किया जाए वो गुनाह होता है, इसलिए हम हमेशा से कहते आए हैं जो आपसे हुआ वो गलती थी, गुनाह नहीं। खैर, अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। थैंक यू अम्मी। इसलिए सॉरी नूर बेगम, मैं शायरा बीबी को एक फूल देने ही वाला था कि बेगम साहिबा ने पकड़ लिया। अरे नूर बेगम, अब यहां आके खड़े हो जाओ, शांत। अब मुझे बताओ क्या प्लान था? शायरा बीबी को ये फूल देने थे क्योंकि उन्हें इन फूलों से एलर्जी है। मैंने आपके कहने पर इन फूलों को पेपर में अच्छे से लपेट दिया था ताकि फूल दिखे ना। और भी कुछ कहा था मैंने? हाँ, कि शायरा बीबी को फूल तब देना जब उनके कमरे में कोई ना हो। अल्लाह कसम, तब उनके कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं फूल देने लगा, पता नहीं बेगम साहिबा वहां कैसे आ गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है नूर बेगम। अच्छा ठीक है, अब तुम एक काम करो, यहाँ खड़े रहो और 100 तक गिनो, मैं बाहर जा रही हूँ। हाँ, वो आ रही है, गाड़ी गेट पे भिजवा दीजिए। जी बेगम साहिबा। कमाल है, बड़ी अच्छी लग रही हो। अब हैप्पी बर्थडे शायरा। अरे क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें गले मिलने वाली हूँ? गले पढ़ने की आदत तुम्हारी है शायरा, मेरी नहीं। मैं तो बस अपना पल्लू ठीक कर रही थी। खैर, कहाँ जा रही हो? अम्मी का एक फंक्शन है, वही अटेंड करने जा रहे हैं। कमाल है, लोग अपने बर्थडे के दिन भी झूठ बोलने से बाज नहीं होते। झूठ? कैसा झूठ? तुम्हें भी पता है कैसा झूठ। वैसे मैं भी बाहर जा रही हूं, पूछो भी नहीं कहां, अजान के साथ। आने में लेट हो सकता है और ये भी हो सकता है कि हम डिनर बाहर ही करके आए। अच्छा, डिनर के बाद प्लीज अजान को कुछ ठंडा मत पीने दीजिएगा, उनका गला खराब हो जाता है। अस्करो शायरा, कितना नाटक करोगी? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? क्या पता नहीं है नूर, अब क्या बोल रही है?
आखिरी गाड़ी तुम्हारे लिए है ना? चलिए नूर मैडम आप, लेकिन गाड़ी में तो शायरा मैम। शायरा मैम नहीं आ पाएंगी। चलिए ये सब क्या है? वो बेगम साहिबा, नूर बेगम ने कहा था यहाँ पर खड़ी होकर 100 तक गिनती बोलने को, और गिनती खत्म हुई तो मैं यहाँ फंस गया। नूर कहाँ है? वो तो गई। कहाँ? हेलो मिसेस अख्तर मिर्जा, आई एम सीमा ठाकुर, इस ऑर्फनेज की फाउंडर। हाय, अजान कहाँ है? मैम, जब बात चैरिटी की आती है तो सबसे पहला नाम रजिया बेगम का सामने आता है। क्या इस मामले में आपके ख्यालात भी आपके मदर इन लॉ जैसे हैं? क्या आप भी चैरिटी में बिलीव करती हैं? बिल्कुल, अगर अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। मैम चलें, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। कौन से बच्चे? और अजान किधर है? मैं उससे मिलने आई हूँ। अजान अख्तर मिर्जा की दूसरी बीबी है ना? वही है। मैम, आपने इस इवेंट के लिए इन्हें बुलाया है? मैम, इन्हें तो इवेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली हमने इस इवेंट के लिए रजिया बेगम को इनवाइट किया था। उन्होंने कहा कि वो किसी रीजन के कारण यहाँ पर आज नहीं आ सकती है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बहू शायरा अख्तर मिर्जा को यहाँ पर भेजा है। लेकिन ये तो शायरा अख्तर मिर्जा नहीं है। क्या कर रहा है? अरे पाँव निकल, माशुका जल्दी। दिलरुबा कोशिश कर, खींच खींच। अगर गाड़ी में नूर गई है तो शायरा कहाँ है? अम्मी बचाइए हमें। पता नहीं बेगम साहिबा, मैं तो काफी देर से बुध बने यही खड़ा हुआ हूँ। अजान, मुझे पता है तू शायरा का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो नहीं आ पाएगी, कहीं फंस गई है, इसलिए मैं आ गई। अजान, एटलीस्ट बाहर तो तमाशा मत कर। आई नो तू नाराज है मुझसे, लेकिन पब्लिकली सबके सामने क्यों गुस्सा करना है तुझे? मिसेस मिर्जा चले, सब आपका वेट कर रहे हैं। करने दो, आप देख रहे ना मैं बिजी हूँ। अजान, अजान जान लगी, ये सीमेंट तो सूख चुका है, अब हम बाहर कैसे निकले? कोई है? अम्मी, अम्मी हम बाहर हैं। अम्मी क्या करें, कैसे फोन उठाएं? अम्मी अजान, अजान Thank you.
अजान।